चीज आप 24 का सामान लेते हैं तो 10%, चीज आप 25 से 67,524 का सामान लेते हैं तो 13, 1,12,524 का लेते हैं तो 16, 19 और 1,50,025 का सामान लेते हैं तो 22। इसका क्या मतलब है ना, मान लीजिए मैं और आप बाजार से सामान खरीदते 100 रुपए का और उसका एमआरपी 100 है तो हम कितना पैसा देते हैं? 100 रुपए एमआरपी देते हैं, राइट। जब आप मोदी केयर से वो प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको अप टू 20% डिस्काउंट में मिलता है, तो ये प्रोडक्ट आपको मोदी केयर से पड़ा 80 रुपए का, ठीक है। अब इस 80 रुपए के ऊपर जो 80 रुपए आप मोदी केयर को देते हैं आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, वो लगभग 50% होते हैं जो पैसा आप मोदी केयर को देते हैं उसका, ठीक है। सो आपको बिजनेस वॉल्यूम कहते हैं उन पॉइंट्स को। सो लगभग 80 रुपए की खरीद पे इसका 50% क्या हुआ, 40 पॉइंट्स आपको आपके खाते में मिल गए। अब ऐसे ही ये टेबल फिक्स है, मैंने केवल इस टेबल को याद कर लिया। मैं उपभोक्ता हूँ, मैंने 5,000 रुपए का सामान खरीदा मोदी केयर से, मैं केवल यूजर हूँ। 5,000 के ऊपर मुझे 50% के हिसाब से कितने पॉइंट्स मिल गए? 2,500 पॉइंट्स। 2,500 पॉइंट्स पे मुझे पहले तो डिस्काउंट पे प्रोडक्ट मिला 20% डिस्काउंट पे। दूसरा, मोदी केयर ने कहा था कि मिनिमम 7% का बोनस तो मिलेगा ही मिलेगा, तो मैंने 25 पॉइंट से ज्यादा का काम किया है, 2,500 से ज्यादा होता है, और 7,524 से कम का काम किया है, तो यानी कि मुझे क्या मिलेगा, 2,500 का 7%, यानी कि 175 रुपए का चेक मेरे घर पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो बोनस है ये जुड़ते क्रम में, अगले महीने मेरे को फिर साबुन तेल डिटर्जेंट चाहिए था, खत्म हो गया, मैंने दोबारा से 2,500 पॉइंट का सामान लिया अगले महीने, तो 2,500 कितना हो जाता है, 5,000, पर ये अभी भी इससे कम है, तो फिर से मोदी के इसके ऊपर तो मोदी के ने पिछले महीने पैसा दे दिया ना, फिर से जायदा के ऊपर 7% के हिसाब से 175 रुपए मोदी के मुझे भेज देगा, ठीक है। तीसरे महीने मैंने फिर वही 2,500 का काम किया, लेकिन मेरी अप्लाई नहीं करता 25 पॉइंट्स और कर लेना क्योंकि आप अगले स्लैब में आ जाओगे, तो मैंने ये कर लिया तो 7,525 हो गया, तो मैं अगले स्लैब में आ गया, राइट। अभी मैं यूजर हूँ, मैं कोई बिजनेस नहीं कर रहा, तो अब इस यूजर को इसका 10% क्योंकि अगले स्लैब में आ गया, 10% का मतलब है मुझे 252 रुपए का चेक आ गया। एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि ये सामान तो उसे वैसे भी हर महीने खरीदना है, पहले तो ये डिस्काउंट पे मिल रहा है मुझे सामान, 7% के हिसाब से 175 फिर 252, एक दिन मैं इससे भी ऊपर जाऊंगा 30,000 से जुड़ते क्रम में। बचपन से आज तक मैंने और आपने लाखों का सामान खरीद लिया होगा, हमारी जानकारी भी नहीं है, तो मुझे एक दिन 13% फिर 16% 19% और ऐसे ही एक दिन 22% का फायदा मिलेगा, ठीक है। यूजर का ठीक है, एग्जांपल सिंपल है, क्लियर है। अब मैं टीम बनाता हूँ, मैं कर लूंगी।